गाइस यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से आ गए हैं। कल आए थे कुछ लोग आज आए और कुछ लोग परसों आए थे। उन लोगों ने यहीं पर ही अपना डेरा जमा रखा है और गुरु जी के दर्शन के लिए सब लोग यहीं पर हैं। दो दिन से कुछ लोग तीन दिन से हैं और यहाँ पर कथा के लिए, कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण कथा सुनने के लिए सब लोग हजारों किलोमीटर से यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब बाहर के लोग हैं, लोकल के नहीं हैं, क्योंकि लोकल के लोग तो कथा सुनकर चले जाते हैं। ये सब बाहर के लोग हैं, वो भी हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। जो जितने दूर से आया है वो उतने ही दिन के लिए आया है, ज़्यादा दिन के लिए वही आते हैं जो दूर से आते हैं। इतने दूर से जब जा ही रहे हैं तो सारी कथा सुन के जाएंगे, मतलब जितने दिन कथा होगी कथा सुन के जाएंगे और अपने गुरु जी के दर्शन करेंगे रोज़ाना। तो गाइस ये भीड़ आप देख रहे हैं, लाखों की भीड़ है यहाँ पर, लाखों की संख्या में दिन रात श्रद्धालु रहते हैं। ये व्यासपीठ है जहाँ पर गुरु जी बैठ कर कथा करते हैं, ये व्यासपीठ है। दर्शन करें अपने गुरु जी की, व्यासपीठ का, यहाँ पर गुरु जी बैठ कर कथा करते हैं। बहुत आनंदमय कथा रहती है हर दिन, बहुत अच्छा लगता है। आइए आप भी कथा का आनंद जरूर उठाएं। क्या कहना चाहेंगे आज की कथा के बारे में? धन्य हो गए आकर, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहे भले ही वो अच्छे से सुनने ना मिले, बैठना ना मिले, लेकिन यहाँ आकर ही आनंदित हो जाते हैं। आपको धन्य समझ रहा है, अपना जीवन धन्य हो गया कथा में आने। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? भोलेनाथ की भूमि पे आ गए, समझ लो अपन हिमालय पे कैलाश पे चले गए। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई, ये लोग भी सुधर गया, वो लोग भी सुधर गया। बिल्कुल, और प्रभु उसको ही बुलाता है जिसपे कृपा करता है। सही, बस बगैर कृपा नहीं आ रही। सही है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं। दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन माहौल है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं पर रुकें। पीहू और पीहू की मम्मी भी आई हुई है, पीहू ने आते ही एक गाड़ी खरीद ली है, इसी गाड़ी पर बैठकर घर जाएगी। पीहू जाएगी ना घर पर इसी पर बैठकर? नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे, जब आपने खरीदी है तो जाओ। पीहू की मम्मी ने यहाँ पर माहौल देखा तो मंत्र मुग्ध हो गई हैं और वो कह रही हैं कि आज यहीं पर ही रुकेंगे, गुरु जी की शरण में रहेंगे यहीं पर, और प्रसाद भी यहीं पर ग्रहण करेंगे। देखो प्रसाद तो जरूर खाएंगे, चाहे भले ही यहाँ नहीं रुकेंगे लेकिन प्रसाद तो खा के जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। जहाँ पर शिव चर्चा हो रही हो, जहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा हो, वो भूमि वो जगह कितनी पवित्र होगी इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। लोगों के पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी यहाँ के बारे में बताने के लिए, इतनी विशेषता है यहाँ की, इस जगह की, जहाँ पर गुरु जी स्वयं कथा कर रहे हो, शिव महापुराण कथा हो रही हो, जहाँ शिव खुद ही विराजमान हो। देखिए आप खुद देख पा रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, और मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आप भी कथा सुनिएगा, कथा का आनंद उठाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।